संघर्ष यानी कि स्ट्रगल हमें थकाता जरूर है, पर हमें अंदर से सुंदर और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 फरवरी के करेंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो मिल रही है, और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है। देखिए, भारत ने अभी हाल ही में बहरीन के साथ जो है रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है। देखिए, अक्षय ऊर्जा मतलब होता है वो ऊर्जा जिनका क्षय ना हो। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा न्यूज को हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ये समझौता हुआ है भारत और बहरीन के बीच में, तो इस समझौते के तहत भारत और बहरीन दोनों पक्षों ने अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण में गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्ति और संबंधित एजेंसियों के साथ साथ इस क्षेत्र में दोनों के निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, विशेष रूप से सौर पवन और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा क्या होती है? देखिए, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। और जो आपकी अक्षय ऊर्जा होती है, देखिए, ऊर्जा की वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है और जिनका नवीनीकरण होते रहता है, उन्हें हम अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और ये प्रदूषणकारी भी नहीं होते हैं ये स्रोत। देखिए, जो आपका सन यानी कि सूर्य है, जल यानी कि वाटर है, पवन है, ज्वार भाटा है, भूताप है, ये सभी जो है अक्षय ऊर्जा के प्रबल स्रोत हैं। और बहरीन देश की बात करें जिनसे जिसके साथ में हम ये समझौता किया है, देखिए, बहरीन जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। बहरीन के किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, इसको बनाएगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, देखिए, ये जो है भारत की सैन्य पड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। और इस तकनीकी को कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम नाम दिया गया है, और इसमें एक मानव युक्त विमान होगा जिसे मदरशिप के नाम से जाना जाएगा, जो कि दूर से संचालित होगा, और 4 स्वायत्त मानव रहित हवाई वाहन होंगे जिन्हें कैट्स योद्धा के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन एक लाइन में जो न्यूज़ याद रखनी है कि जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये भारत की सैन्य पड़ताल, पड़ताल का मतलब क्या हो गया, हम किसी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं उसी की बात हो रही है। तो भारत की सैन्य पड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक सूडो सैटेलाइट जो है विकसित करने जा रहा है, इसके बिहार में इसने घोषणा की है। और तीसरा प्रश्न की ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये किताब काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनके बेटे हंटर बिडेन की लिखी हुई पुस्तक है। तो देखिए, ये पुस्तक लिखा है हंटर बिडेन ने। और हंटर बिडेन कौन है? हंटर बिडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हैं। देखिए, ये एक समय था बहुत बड़े नशेड़ी हुआ करते थे ये, गांजा भांग शराब जो भी है सारे नशा करते थे ये, क्योंकि भाई देखिए, नेताओं के लड़के क्या होता है, पैसा तो अपराध होता है, और ये उसका यूज़ कहाँ पे करें, यूज़ जो है ये गलत तरीके से करने लगते हैं तो नशाखोर हो जाते हैं। तो ये भी जो है नशाखोर हो गए थे, बाद में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और नशे से मुक्ति इन्होंने पाली। तो इसी संघर्ष के बारे में इन्होंने इस पुस्तक जिसका नाम ब्यूटीफुल थिंग्स है, इसमें वर्णन किया है हंटर बिडेन ने। और इनकी जो ये पुस्तक है, ये जो है अमेरिका में गैलरी बुक्स साइमन एंड सुस्टर द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि ब्यूटीफुल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर बिडेन है। और यह आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति का बेटा कोई किताब लिख रहा है तो वो चर्चा में रहेगा ही। हम जैसे लोगों की किताबें जो है वो दबके रह जाती हैं, लेकिन बड़े लोग हैं, बड़ी बात। चौथा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो नए अध्यक्ष बने, इनका नाम है SN सुब्रमण्यन। देखिए, जो आपके SN सुब्रमण्यन है, ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक भी हैं, और इनको 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभियाली में अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये नई व्यावसायिक सुरक्षा
स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 यानी कि OSH कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पांचवा प्रश्न, किस व्यक्ति को 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद का चेयरमैन चुना गया है? तो देखिए 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद के चेयरमैन बनाए गए हैं GSK वेलु। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है और इनके बारे में डिटेल्स क्या है। देखिए जब के GSK वेलु हैं, ये जो है न्यूजबर्ग डायग्नोस्टिक्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी हैं, और ये जो है इससे पहले फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद के सदस्य थे, और इनके पास स्वास्थ्य और चिकित्सा उद्योग का 33 साल से जो है अधिक अनुभव है। तो ये डीडीएस इनके बारे में याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात रखना है कि GSK वेलु को अभी हाल ही में 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद का चेयरमैन चुना गया है। और देखिए आप जो है वार्षिकांक 2020-21 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएंगे पूरे डिटेल में, और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें मतलब सभी प्रश्न जो है लगभग इसी PDF से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जल्दी मैं एक और PDF रिलीज़ करने वाला हूँ, उसमें जो है आपका पूरा जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक का जो करंट अफेयर है वो कवर होगा। ठीक है, तो एक ही PDF में आप सारा कंटेंट अब अपलोड मतलब परचेज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आसियान भारत की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की? तो देखिए आसियान भारत की जो 8वीं बैठक थी इसकी सह अध्यक्षता की प्रहलाद सिंह पटेल ने। और प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? ये भारत के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंबोडियाई समकक्ष थोंगखोन, देखिए कंबोडिया के जो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, इनका नाम क्या है? थोंगखोन। इनके साथ में भारत के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की जो है अध्यक्षता की थी। और अब थोड़ा हम आसियान के बारे में जानेंगे। देखिए आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका मुख्यालय आपका है इंडोनेशिया की जकार्ता में। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में हुई थी, और इसके सदस्य देश कौन से हैं? देखिए आसियान के सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। सातवां प्रश्न, की हाल ही में गुएन फू ट्रोंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए गुएन फू ट्रोंग जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और आपको बता दूं वियतनाम में एक पार्टी है जिसका नाम है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसके ये नेता हैं, और इनकी उम्र 76 साल है वर्तमान में, और ये अभी हाल ही में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, देखिए इससे पहले भी ये 2 बार राष्ट्रपति रहे, और तीसरे कार्यकाल के लिए जो है ये 5 सालों के लिए फिर से एक बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो वियतनाम में भी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 5 ही साल का होता है। और देखिए आपको बता दूँ ये जो है 2011 से इस पद पर सेवारत है। ठीक है, तो 2011 से ये इस पद पर बने हुए हैं, तीसरी बार ये चुनाव जीते हैं, और फिर 5 सालों तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। कौन? गुएन फू ट्रोंग। और वियतनाम की बात करें तो देखिए इसकी कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग, और वियतनाम की पॉपुलेशन है 9.65 करोड़। आठवां प्रश्न, की हाल ही में किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में अभी हाल ही में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीता है। और इनके साथ में देखिए 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पंवार ने भी स्वर्ण पदक जीता, और ट्रैप स्पर्धा में काइनन चेनाई, और महिलाओं में ट्रैप स्पर्धा में राजेश्वरी कुमारी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और आपको बता दूं भारतीय निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 सिल्वर मेडल, 5 कांस्य पदक भी जीते इसके साथ में। ठीक है, नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अनीश शाह। यहाँ पर इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, इसकी सहायक कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो इसी सहायक कंपनी में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को अपॉइंट किया गया है। और ये कंपनी क्या करती है? देखिए जो आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये एक NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। और ये कंपनी जो है इसने 2010 में वाणिज्यिक वाहनों और यानी कि कॉमर्शियल वाहन जो होते हैं, ठीक है, तो कॉमर्शियल वाहनों और उनके निर्माण उपकरणों के लिए लोन देना शुरू किया था। दसवां प्रश्न, की हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक
आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है। तो देखिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान को स्थापित किया है उत्तराखंड ने। देखिए उत्तराखंड में 210 प्रजातियों के पेड़ों के साथ शिवालिक श्रेणी के लिए पहला आर्बोरेटम स्थापित किया गया है। और जो आपका शिवालिक आर्बोरेटम है इसमें 210 से अधिक पेड़ और झाड़ीदार प्रजातियां हैं जो कि उत्तराखंड के सबसे बड़े अभयारण्य में से एक हैं। और उत्तराखंड की बात करें, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, पॉपुलेशन यहाँ की है 1.01 करोड़। 11वां प्रश्न की हाल ही में से किस उच्च न्यायालय ने डायमंड जुबली मनाई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका गुजरात का उच्च न्यायालय इसने अपनी डायमंड जुबली मनाई है। देखिए गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1960 में हुई थी, तो टोटल 60 साल इसके पूरे हो गए इसलिए इसका डायमंड जुबली मनाया गया। और देखिए गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना को 60 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित रहे थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर और हम बात करेंगे अब आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। और देखिए वीडियो को जो लोग लाइक करना भूल जा रहे हैं तो देखिए इसको लाइक कर दो यार, कंजूसी क्यों करते हो, इसमें कोई चार्ज थोड़ी लगता है। तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लाइक करके उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, नाम बताइए इसका। और दूसरा कि हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया, बताइए। और चौथा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखिए जो कल के क्वेश्चन लेते हैं उनके उत्तर आज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और मेरा इन्वर्टर थोड़ा सा डाउन हो चुका है, तो इस वीडियो को ही ब्रेक कर देते हैं और कल हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ हैव अ नाइस डे, गुड बाय।